नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 40 ऐसे वाक्य सुना रहा हूँ जिनमें कही गई बातों को अगर आप जीवन में अपनाएं तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जिंदगी निष्पक्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। जब कभी किसी संशय या संदेह में पड़ो तो बस एक छोटा सा अगला कदम उठाओ। छोटे छोटे कदम लेने से धुंध में भी रास्ते मिल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बिना आनंद लिए कैसे गुजरने दिया जा सकता है। जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी नौकरी तुम्हारा ख्याल रखने ना आएगी, तुम्हारे परिवार के सदस्य और तुम्हारे मित्र ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं वह सामान मत खरीदो। तुम्हारा हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, बस खुद के प्रति ईमानदार बने रहो। ईश्वर पर गुस्सा करने में कोई बुराई नहीं, वह तुम्हारे गुस्से को सहन कर सकता है। बहुत जरूरी चीजों के लिए पैसा बचाकर रखो। अपने अतीत से समझौता कर शांति बनाकर रखो, ताकि वह आपके वर्तमान को खराब न करे। अपने बच्चों के सामने रोने में कोई बुराई नहीं। अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हें इसका कोई अनुमान नहीं है कि उनका जीवन कैसा है। अगर किसी संबंध को गुप्त रखा जाना है तो आपको उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। 2-3 गहरी सांस भरो, इससे दिमाग शांत हो जाता है। वह जो तुम्हें मार नहीं देता, वस्तुतः तुम्हें शक्तिशाली बना जाता है। तुम किसी भी दिन से खुशियों भरा जीवन जीना शुरू कर सकते हो। यह सिर्फ और सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। जब जिंदगी में अपनी सबसे प्रिय चीज को पाने का सवाल हो तो जवाब में नहीं को कभी नहीं स्वीकार करो। मोमबत्तियां जलाओ, कपड़ों में इत्र छिड़को, बढ़िया चादर बिछाओ, शानदार कपड़े पहनो। इन सब को किसी खास मौके के लिए मत बचा कर रखो। जरूरत से बेहतर तैयारी करो और फिर भाव के साथ आगे बढ़ो, संघर्ष करते हुए नहीं, मजा लेते हुए। सेक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग दिमाग है। हमेशा जिंदगी को चुनो। अगर दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए ही माफ कर दो। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। समय हर घाव को ठीक कर देता है, समय को समय दो। कोई स्थिति कितनी ही अच्छी या खराब क्यों ना हो, वह बदल जाएगी। खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से मत लो, दूसरा कोई नहीं लेता। चमत्कारों पर भरोसा करो। ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है क्योंकि वह ईश्वर है, इसलिए नहीं कि तुमने उसके लिए कुछ किया या नहीं। आपके बच्चों के पास सिर्फ एक ही बचपन है। अंत में सिर्फ यही मायने रखता है कि तुमने प्रेम किया। रोज जिंदगी के बिहड़ रास्तों पर निकलो, वहां चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। ईर्ष्या समय की बर्बादी है, उसे स्वीकार करो जो तुम्हारे पास पहले ही है। सबसे बेहतरीन तो अभी बाकी है। तुम कैसा भी महसूस करो, उठो, कपड़े पहनो और बाहर निकलो। तुम तब तक हारते नहीं जब तक कि कोशिश करना नहीं छोड़ते।
तुम्हें इससे पहचाना जाता है कि तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, न कि इससे कि तुम्हारे मुंह में जाता क्या है। ज्यादा देने से तुम ज्यादा पाते हो। अपने दिमाग पर राज करो, वरना वह आप पर राज करेगा। खुद को खोकर ही तुम खुद को पाते भी हो। कृतज्ञ मन में हमेशा सुख ही वास करता है, दुख नहीं। जिसने असफलता को नहीं चखा, उसे सफलता भी कोई स्वाद नहीं देती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।